तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मॉलिक्यूलर साइज और स्ट्रक्चर हमारे किस तरीके से अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को। ठीक है, तो पहला कि लार्जर द मॉलिक्यूल लेसर द सॉल्युबिलिटी, कि जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल लार्जर होगा उतनी ही कम हो जाएगी उसकी सॉल्युबिलिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज देख लेते हैं एक बार कि हमारे पास चार कार्बन की चेन है। ठीक, तो एक तरफ हमारे पास चार कार्बन की चेन है और दूसरी तरफ इधर छः कार्बन की चेन है। ठीक है, तो जो चार कार्बन की जो चेन होगी ये हमारी जल्दी सॉल्युबल होगी। ठीक है, बजाय इस छः कार्बन की चेन को, क्यों? क्योंकि जब सॉल्वेंट इसको चारों तरफ से घेरना चालू करेगा, ठीक है, चारों तरफ से इसको घेरना चालू करेगा इस तरीके से, तो सॉल्वेंट कम टाइम लगाएगा। ठीक है, बजाय इस छः कार्बन की चेन के, इसमें सॉल्वेंट को ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा इसको सॉल्युबल करने के लिए, तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है बहुत कम होती है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल लार्जर होता जाएगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट पार्टिकल नीड्स टू टेक टाइम टू सराउंड द सॉल्यूट। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट है कि जितनी ज़्यादा हमारी ब्रांचिंग इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, मोर द ब्रांचिंग लेस मोर द सॉल्युबिलिटी। ठीक है, जितनी ज़्यादा ही हमारी ब्रांचिंग इंक्रीज हो जाएगी उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, देखो इधर इधर एक पाँच कार्बन है हमारे पास और इधर भी हमारे पास कार्बन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमने ब्रांचिंग कर दी। ठीक है, तो ब्रांचिंग होगी तो भाई हमारा जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ब्रांचिंग होने पे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, तो जो सॉल्वेंट के पार्टिकल आएंगे उनको इसको घेरने में ज़्यादा टाइम ही लगेगा। ठीक है, सराउंड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बजाय इसके जो कि लीनियर मॉलिक्यूल है, लीनियर मॉलिक्यूल में ज़्यादा टाइम लगेगा, सॉल्वेंट पार्टिकल को इस तरीके से इसको चारों तरफ से घेरना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास जितनी ब्रांचिंग इंक्रीज होगी उतनी हमारी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट है, एडिंग हाइड्रोफिलिक स्पीशीज लाइक OH कैन इंक्रीज सॉल्युबिलिटी, कि अगर आप कोई ऐसी स्पीशीज ऐड कर दो जैसे कि हाइड्रोफिलिक हो, जैसे कि हमारा OH होता है हाइड्रोफिलिक, ठीक है, तो ये इंक्रीज कर सकता है सॉल्युबिलिटी को। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक तरफ मेरे पास बेंजीन है, अब मैं बेंजीन में एक OH ग्रुप ऐड कर देता हूँ तो हमारा फिनोल बन गया, ये हमारा फिनोल बन गया। ठीक है, अब आपको पता है ये जो फिनोल होता है ये 1000 times मोर सॉल्युबल होता है देन बेंजीन। ठीक है, एक OH ग्रुप को ही ऐड करने से, तो OH ग्रुप ऐड करने से आप क्या कर सकते हो, सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट पॉइंट है कि जो ईस्टरीफिकेशन होती है, ईस्टरीफिकेशन रिएक्शन होती है, वो डिक्रीज कर देती है सॉल्युबिलिटी को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास एक हमारी एंटीबायोटिक है क्लोरामफेनिकोल, ठीक है, जो कि बड़ी कड़वी टेस्ट की होती है, बिटर टेस्ट की होती है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसकी ईस्टरीफिकेशन रिएक्शन करवा देते हैं, ईस्टरीफिकेशन रिएक्शन करवा दी। अब हमने ईस्टरीफिकेशन रिएक्शन करवा दी तो ये क्या बन गया, क्लोरामफेनिकोल पाल्मिटेट। ठीक है, अब जो क्लोरामफेनिकोल पाल्मिटेट होगी इसकी लेसर सॉल्युबिलिटी होगी, जो सॉल्युबिलिटी होगी वो इसकी कम होगी। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू क्लोरामफेनिकोल, तो जो उसका टेस्ट होगा वो भी आपको कम आएगा। ठीक है, तो हम इस जो एंटीबायोटिक है हम इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं।